आज मैं आपको दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, जो लगभग 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 99% समुद्र है। मालदीव छोटे छोटे करीब 200 द्वीपों से बना है। मालदीव की राजधानी मेला है और जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मालदीव की जनसंख्या 4 लाख के करीब की है। नंबर 9, सेंट किट्स एंड नेविस। वेस्ट इंडीज के करीब स्थित 2 द्वीपों से बना एक देश है, सेंट किट्स एंड नेविस। ये देश लगभग 261 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सेंट किट्स एंड नेविस को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता 1983 में मिली। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में नेविस को खोजा था। सेंट किट्स एंड नेविस की आबादी करीब 56,000 की है। नंबर 8, मार्शल द्वीप। मार्शल द्वीप प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित एक देश है। ये देश लगभग 181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मार्शल द्वीप की जनसंख्या 55,000 के लगभग की है। मार्शल द्वीप को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता 1986 में मिली थी। मार्शल द्वीप 5 द्वीपों का समूह है, जो कभी 6 द्वीपों का होता था। एलुजाबेल द्वीप को अमेरिका ने एक हाइड्रोजन बम के परीक्षण के दौरान डुबा दिया था। नंबर 7, लिंकेनस्टाइन। लिंकेनस्टाइन स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में स्थित देश है। लिंकेनस्टाइन महज 160 वर्ग किलोमीटर वाले इस देश की आबादी करीब 37,000 है। ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है। अजीब बात यह है कि इस देश के पास किसी भी प्रकार की कोई सेना नहीं है। नंबर 6, सैन मरीनो। सैन मरीनो यूरोप का तीसरा सबसे छोटा देश है। सैन मरीनो लगभग 61 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है, जो काफ़ी कम है। ये देश पूरी तरह से इटली देश से घिरा हुआ है। इसकी आबादी केवल 34,000 के करीब की है और दुनिया में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले देशों में से एक है। नंबर 5, तुवालू। तुवालू 9 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। तुवालू ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। तुवालू में लगभग 11,000 लोग रहते हैं, जो करीब 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। तुवालू को 1978 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। तुवालू को एलिस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, नारू। नारू ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित द्वीप है। नारू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप देश है। नारू करीब 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। नारू की कोई राजधानी नहीं है। इस देश को आज़ादी 1968 में मिली थी। इसकी आबादी केवल 11,000 के करीब की है। नारू में 90% बेरोजगारी दर है। नंबर 3, मोनेको। मोनेको भूमध्य सागर में फ्रांस द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ देश है। मोनेको करोड़पति और अरबपतियों से भरा पड़ा है। मोनेको करीब 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। मोनेको देश में 38,000 से अधिक की आबादी रहती है। मोनेको देश में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। नंबर 2, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इटली देश में रोम शहर के बीच में स्थित है। ये देश दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसे मान्यता प्राप्त है। वेटिकन सिटी करीब 0.44 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। इसकी आबादी केवल 1300 के करीब है। ये दुनिया में सबसे बड़े चर्च सेंट पीटर्स का भी घर है। इस छोटे से देश की सुंदरता देखते ही बनती है। नंबर 1, सीलैंड। सीलैंड इंग्लैंड के उत्तरी समुद्र में लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इस टावर को 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के द्वारा एक रक्षात्मक प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया था। सीलैंड करीब 0.025 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ एक टावर है। 1965 में जैक मूर और उनकी बेटी जैन ने यहाँ कब्जा कर लिया था और फिर 1967 में पैडी रॉय बैट्स ने कब्जा कर लिया। 1975 में बैट्स ने सीलैंड के लिए एक संविधान पेश किया और उसके बाद एक राष्ट्रीय ध्वज, एक राष्ट्रीय गान, मुद्रा और पासपोर्ट भी बनाया। तो ये थे दुनिया के सबसे छोटे देश। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।